आज का टॉपिक है जेरंड, और जेरंड का स्ट्रक्चर होता है वर्ब प्लस आईएनजी, जिसका अर्थ होता है करना, कर रहा, करने के लिए, करते, करते हुए। ये सभी जेरंड का अर्थ होता है, और जेरंड का प्रयोग एक नाउन की तरह होता है, इसलिए इसे वर्बल नाउन भी कहते हैं। और जेरंड का यूज चार प्रकार से किया जाता है। अब हम देखेंगे पहला रूल। तो सबसे पहला रूल है सब्जेक्ट टू अ वर्ब। यहाँ पर जो जेरंड का प्रयोग होगा वो एक सब्जेक्ट के स्थान पर होगा। सबसे पहला रूल है सब्जेक्ट टू अ वर्ब। यहाँ पर जो जेरंड है वो हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पर आएगी। सबसे पहले देखेंगे हम पहला एग्जाम्पल। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यहाँ पर जो टहलना है ये एक जेरंड वर्ब है। दूसरा देखेंगे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तैरना एक अच्छा व्यायाम है। यहाँ पर तैरना ये एक जेरंड वर्ब है। अगला एग्जाम्पल रीडिंग बुक इज माई हॉबी। किताब पढ़ना मेरा शौक है। ये सभी सेंटेंसेस सब्जेक्ट टू अ वर्ब हैं। इस तरह से हम जेरंड का यूज करते हैं। अब देखेंगे नया रूल ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। यहाँ पर जो जेरंड आएगा वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। स्टॉप प्लेइंग, खेलना बंद करो। दूसरा आई लाइक लिसनिंग टू सॉन्ग्स। मुझे गाने सुनना पसंद है। अब देखेंगे अगला एग्जाम्पल आई हेट प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलने से नफरत करता हूँ। अगला एग्जाम्पल चिल्ड्रन लव मेकिंग अ नॉइज। बच्चे शोर मचाना पसंद करते हैं। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब का यूज करते हैं। ये सभी एग्जाम्पल जेरंड से बने हुए हैं। अब हम देखेंगे नया रूल ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। यहां पर जो हमारा जेरंड आएगा वो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। एग्जाम्पल आई एम फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क। मैं दूध पीने का शौकीन हूं। इस एग्जाम्पल में जो ड्रिंकिंग है ये हमारा जेरंड वर्ब है, और ऑफ ये प्रीपोजिशन है। तो जैसा कि रूल है ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, इसका ऑब्जेक्ट ड्रिंकिंग हो गया। हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल ही वॉज गुड एट प्लेइंग चेस। वह शतरंज खेलने में अच्छा था। यहां पर प्लेइंग ये हमारा जेरंड वर्ब, और एट ये प्रीपोजिशन। अब देखेंगे नया रूल कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। इसका मतलब होता है कि वर्ब के पूरक के रूप में। कैसे? अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल माई हॉबी इज डांसिंग। नाचना मेरा शौक है। यहां पर जो नाचना मतलब डांसिंग है, इसके बिना ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। दूसरा सीइंग इज बिलीविंग। देखना ही विश्वास करना है। इस तरह के सेंटेंसेस आप कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब में बना सकते हैं। अब मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहूंगा कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनमें टू प्लस वर्ब या वर्ब प्लस आईएनजी, इन दोनों में से कोई एक लगाया जा सकता है। ये वर्ब हैं प्रिफर, हेट, लव, कंटिन्यू, बिगिन, स्टार्ट, लाइक। टू प्लस वर्ब ये होता है इन्फिनिटिव टॉपिक, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया है। इस टॉपिक को आप देखना चाहें तो मेरा इन्फिनिटिव का टॉपिक आप देख सकते हैं। दूसरा रूल, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं कि जिसमें सिर्फ वर्ब के साथ आईएनजी का ही प्रयोग होता है, जैसे प्रैक्टिस, इंजॉय, फिनिश, अवॉइड, डिसलाइक, सजेस्ट, इमेजिन, डिटेस्ट, डिले। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हम देखेंगे जिनके माध्यम से आप हर प्रकार का सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। तो देखिए पहला एग्जाम्पल वी हैव स्टॉप्ड टॉकिंग टू हर। हमने उससे बात करना बंद कर दिया है। दूसरा एग्जाम्पल शी अवॉइड्स गोइंग अलोन। वह अकेले जाना टालती है। यू शुड अवॉइड टचिंग कोरोना पेशेंट्स। तुम्हें कोरोना के मरीजों को छूने से बचना चाहिए। आगे एग्जाम्पल कीपिंग डिस्टेंस इज गुड फॉर हेल्थ। दूरी बनाए रखना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। नया एग्जाम्पल स्पीकिंग इन हिंदी इज अ प्राउड इन इंडिया। भारत में हिंदी बोलना गर्व की बात है। एग्जाम्पल आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टीचिंग यू। मुझे तुम्हें पढ़ाने में कोई रुचि नहीं है, या कह सकते हैं मेरा मन नहीं है।
एग्जाम्पल स्टेइंग अलोन इन फॉरेस्ट इज रिस्की, जंगल में अकेले रुकना खतरनाक है। अगला एग्जाम्पल यू आर थिंकिंग ऑफ मैरिंग हर, तुम उससे शादी करने की सोच रहे हो, तुम उससे शादी करने की सोच रहे हो। नया एग्जाम्पल वी गो स्विमिंग डेली, हम रोज तैरने के लिए जाते हैं। नया एग्जाम्पल ही वेंट रनिंग, वह दौड़ते हुए गया। आप इस तरह के कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, ही वेंट प्लेइंग, वह खेलते हुए गया। हम देखेंगे लास्ट एग्जाम्पल ही कम्स रनिंग टू मी, वह मेरे पास दौड़ते हुए आता है। उम्मीद है आपको ये सभी एग्जाम्पल्स अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और ये टॉपिक जेरंड का अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर फिर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं।